हेलो दोस्तों, आज रेकरिंग का पूरा टाइप हम करने जा रहे हैं और आप लोग पूरा वीडियो को देखें। पूरा टाइप हम आज रेकरिंग का बताएंगे कि पूरे टाइप, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, किस तरह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में रेकरिंग से फंस जाता है, लड़कों से नहीं बन पाता है। तो चलेंगे, पहला क्वेश्चन है कि अगर पॉइंट डिसिमल अगर दे दे और एक 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 और एक इस तरह से दे दे, तो आप समझ लीजिए कि पॉइंट यानी कि डेसिमल डाल देंगे और एक होगा और इसके ऊपर में रेकरिंग डाल देंगे। तो इस तरह सब जब हम लिखेंगे तो इसको 1/9 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1/9। तो 1/9 का मतलब होगा कि रेकरिंग जब भी हटेगा तो नीचे 9 आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1/9 को जैसे हम 1 को भाग देंगे 9 से, तो ये डिसिमल होगा 0 और 9 1 1, देखिए यहाँ से, और फिर नहीं जाएगा तो 0, 1 डेसिमल के बाद 1 0 फ्री मिलता है, तो 9 1 1, फिर 1 0, फिर 9 1 1, इस तरह से जो प्रक्रिया रिपीट होगा उसे रेकरिंग कहेंगे। तो रेकरिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लाइव कितने लोग आ रहे हैं अभी? चल रहा है अभी? हाँ ठीक है, हम भी देख रहे हैं लाइव आपका। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारा बताते रहेंगे, अभी सेटअप किए हम भी हम लोग। चलिए देखते हैं कितना अच्छा चल रहा है, अभी वीडियो कैसा चल रहा है? बढ़िया, ठीक है। 51 लोग लाइव आ रहे हैं अभी। अमरजीत, बिजन, ब्रिज नंदन, प्रज्वल कुमार, मुकेश सिंह, देख रहे हैं वीडियो कैसा चल रहा है आप लोग का, कैसा चल रहा है वीडियो। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको। रेकरिंग से ही बहुत सारा क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पॉइंट 2 3 2 3 2 3 अगर रिपीट हो तो इसको हम 0.23 के पावर रेकरिंग डाल देंगे, इसको भी रेकरिंग का ही हम दर्जा दिए हैं। और इस तरह से 23 और 1 99, 1 है 9 और इसका भी 9, यानी कि 23/99। अगर हम भाग जब देंगे 99 से 23 में, तो आप देखेंगे कि फिर वही रिपीट होगा, 2 3 2 3। देख सकते हैं कैसे डेसिमल उड़ाएंगे, डेसिमल रखेंगे 0 हो जाएगा, 99 से 2 बार में जाएगा 198, यहाँ से आपका 2 होगा, यहाँ से 12 में से 9 0, 3 बार में जाएंगे 9 3 27 और फिर 9 3 27 2 29, ये 3 होगा और ये होगा आपका 11 में से 9, फिर 0, फिर 2 बार में जाएगा, देखिए 198, इस तरह से फिर आपका आएगा 32, 0 डालेंगे, फिर 2, सॉरी 3 बार में जाइएगा, तो 2 3 2 3 2 3 इस तरह से रिपीट होते रहेगा। तो इस रेकरिंग को हम क्या लिख सकते हैं? 23/99। जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे से आपको 0.23 के पावर अगर रेकरिंग हो तो आपको बस 23/99। अब इसका देखिए, पहला हम क्या बताए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? वीडियो कैसा चल रहा है आज? काम चलाओ है। चलिए, तो पॉइंट अगर 2 3 7 है और ये रेकरिंग डाल दिए 2 पे 1 पे छोड़ दिए, पहला क्वेश्चन हम इसको पहले कंप्लीट कर दे। देखिए पॉइंट यानी डिसिमल 1 के पावर अगर रेकरिंग था तो हम लिखे 1/9, पॉइंट 2 3 के पावर रेकरिंग था तो 23/99 लिखे, अगर पॉइंट 2 3 7 के पावर रेकरिंग हो तो 237/999, इस तरह से लिखते जाएंगे। अब टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है ये देखिएगा, लाइव आपका चैट चल रहा है बहुत सारे लोगों का, वीडियो बताएंगे अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपका वीडियो पे ध्यान है, अभी इधर देख रहे हैं बार बार, यानी कि हम आपका वीडियो का क्वालिटी देख रहे हैं ताकि आप वीडियो को देख सके, ठीक है। चलिए 2 नंबर टाइप कैसा क्वेश्चन होगा ये देखना जरूरी है। ये तो हो गया आपका, अगर ये 0.237 आ जाए और 2 ही संख्या के पावर, अगर 2 ही संख्या के पावर में रेकरिंग डाला हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो आपको कैसे बनाना होगा। तो ये 0.237 और ये जो रेकरिंग है इसको छोड़ देंगे और जो नहीं है उसको घटा देंगे,
और जैसे ही ये डिसिमल हट जाएगा इस प्रक्रिया में, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 3 7 और -2 हो जाएगा, और रिकरिंग कितने अंक पे थे? 2 अंक पे। तो यहां से आपका 9 और ये 9 और ये 2 का मान पे रिकरिंग नहीं था तो 0 रख देंगे। क्लियर है यहां से आप लोग? अब इसका मान क्या होगा? 235 अब बटे 990। आप इसको 5 से कटाइए, पंचों का बीच 5 7 45, पांचों का बीच 5 से 5 7 35, 45 नहीं 35। यहां से 5 से 5 1 4, 5 5 45, 4 5 5 45, फिर 5 से 1 5, 4 बचा, 5 5 45, 4 5 8 40। इस तरह से आपका कट गया 47/198। ठीक है, अभी ऑनलाइन उतना एकांत में पढ़ाने पे थोड़ा सा दिक्कत होता हमें। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 47/198। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं रेकरिंग का। जैसे 0.345 अगर हमारा ये हो और रेकरिंग हो, तो इसको आपको कुछ करना नहीं, 345 और ये घटा देना है -3 बटे 9, 9 दो अंक है, और इसको 0 लिख देना है, यानी 342 बटे 9, 9 0। तो आप 2 से कटा सकते हैं इसको, 4 3 9 से भी कटेगा, तो 18 से कटा सकते हैं। तो 9 से पहले कटाइए, 9 3 27, 27 हो गया, 9 8 72, 9 से 110 बार में, 9 1 1, 9 1 1 2 से 17, 19 बार में, 19 2 38 और 2 से 55 2 110, यानी 19/55। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 19/55। यहां से आप देख सकते हैं रेकरिंग का एक और टाइप अभी बताने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि 0.3472 अगर दे दें और रेकरिंग हम 2 ही पे दें, अब इसको आपको बनाना हो तो आपको कुछ करना नहीं, 34/72 -34 और बटे ये 2 9 और 2 को 0 डाल दीजिए, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 3, ये 4 और ये 3 बटे 99। इसको कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से आगे का क्वेश्चन जो होगा इसी तरह से हम देंगे कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन दे देगा कि 0.6 के पावर रिकरिंग है प्लस 0.8 के पावर रिकरिंग है प्लस 0.9 के पावर रिकरिंग है, या 8 7 जो भी डाल देते हैं, 7 के पावर डाल दिए, इस तरह से जोड़ने के क्रम में हम दे देंगे। तो आप 6/9 लिख सकते हैं इसको, 8/9 लिख सकते हैं और 7/9 लिख सकते हैं। तो इसको 8 8 6 14 8 6 14 14 7 21 कर दीजिए, 9 3 से 3 3 9 3 7 21, यानी 7/3। अब जब 7 में हम 3 से भाग देंगे, देख लेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 1 होगा, नहीं जाएगा डिसिमल, 0 यहाँ पे डिसिमल होगा, यहाँ 0 होगा, 3 3 9, 1 0 फ्री मिलेगा, 3 3 9, 1 0 फ्री मिलेगा, 3 3 9। इस क्रम में आप जाएंगे तो इसका मान होगा 2.3333 -, तो 2.3 के पावर क्या होगा? रेकरिंग। इस तरह से आपका आंसर चलेगा। अब अगला टाइप हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। कुछ कटा है, लाइट लग रहा है क्या? ठीक है, चल रहा है, कुछ इधर अंधेरा सा महसूस हुआ। अब एक क्वेश्चन हमारा होगा जो कि आप देखेंगे कि 2 और 3 7 के पावर रिकरिंग, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे? तो इसको 2 + 37/99, 2 ये रिकरिंग जो है ये प्लस में आ जाएगा और एलसीएम ले लेंगे, 9 2 18 9 2 18 1 19 + 37/99। तो इस तरह से जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 9 3 12 1 13 हासिल 1, और 1 1 235/99। फिर आप कटा सकते हैं 5 से कटेगा नहीं, 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर इतना ही रह जाएगा, 235/99। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आपका, चलते रहेंगे। आगे का क्वेश्चन है
ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, 0.80808 देख लेंगे। एक और पीछे जीरो लगा देते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सपोज दैट, तो इसका पूछेगा कि वैल्यू क्या होगा, तो 0.0808। तो जब रेकरिंग हटाने चले तो पॉइंट को मिटा देंगे और यहां से आपका ये 2 अंक पे डेसिमल रेकरिंग था, इस पे नहीं था, तो इसको आपको घटाना होगा और ये आपका होगा 2 अंक है तो 99 और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसका मान 0 0 लिखा जाएगा। तो आप घटाइएगा तो इसका तो मान 0 खत्म हो जाएगा, 808 में से 0 8 घटाएंगे तो 800 और बटे 99 100, ये 2 0 कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 8/99 ऑप्शन में मिलेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, जो एक लास्ट टाइप होगा वो हम दिखाने जा रहे हैं रेकरिंग का, कैसे बनाएंगे उसको। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ क्वेश्चन है कि देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, 2.75 रेकरिंग दे दिया, 2.75, और क्वेश्चन है इसको जोड़ना है किसके साथ, माइनस करना है कि प्लस करना है, प्लस प्लस करना है 0.3.78। अब ये देखिए, अब तो ये नया टाइप आपके पास आ चुका है और नया टाइप को बनाएंगे कैसे ये ध्यान देना होगा। ये दो इधर रेकरिंग आ गया तो हम बताए थे कि 2.37 रेकरिंग ऐसे होगा तो 2+37/99 होगा, लेकिन आज तो रेकरिंग इधर आ चुका है तो इसको बनाने के लिए ये देखिएगा, बहुत ऐसा नहीं कि हार्ड है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा है, तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.75 और ये हो जाएगा -3, इसको प्लस कर देंगे, ये -3 और +0.78। इसको बनाने में 99 का कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम का पूछा हुआ है, बता देते हैं ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है रेलवे में, ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये, इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो ये माइनस कर लीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं, यही मैं दिखाने जा रहा हूँ बार बार। एक बार फिर से आपको मैं ये बता दूं कि ये 2.75 ये रेकरिंग और इसमें क्या अंतर है, ये देखना जरूरी है आपको दोनों क्वेश्चन में, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो सभी लोग बनाते हैं और ये भी साधारण है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बनाना होगा। तो जब ये क्वेश्चन बनाना होगा आपको तो ये ध्यान दीजिए कि माइनस में करना होगा, और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि हम दिए अभी, तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा -2 और -3 ये हो जाएगा -5, और ये जब जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़िए आप तो 0.75 और 0.78, 8 5 13 हासिल, 1 7 7 14 1 15 ये जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 1.53 देख लिए, 5 में से अब ये -5 और ये 1 और +0.53 लिख देंगे, ठीक है, तो 1 में जब ये जाएगा तो -4 होगा और +0.53 होगा, ठीक है, यहाँ से जब आएंगे तो ये -4 के पावर रेकरिंग हो जाएगा, 0.53 होगा, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, 4 के पावर रेकरिंग 0.53, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं कि तीन, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि 3 के पावर रेकरिंग और 0.9, 3 के पावर रेकरिंग 0.9, इसको आपको बनाना है, प्लस करना है 5 के पावर रेकरिंग और 1, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बना कर देना होगा, कैसे बनेगा ये देख लीजिए ये क्वेश्चन, तो ये -3 + 0.9 और ये -5 और +0.1, ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 और 0.9 और 0.1 0.10 हो जाएगा, यानी कि 0.9 में जब 0.1 जोड़ेंगे तो 1.0 आ जाएगा, तो 1.0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 7, -7 आ गया, कितना आ गया इसका आंसर, 7, जोड़े हैं ठीक से हम लोग, 0.9 और 1.1, ठीक है, नहीं 0.7 है, क्वेश्चन में 0.7 है, 0.7 है कि केवल 7 है,
केवल सात था, तो ये 0.7 हो जाएगा। यहां से अब जोड़ेंगे 0.7, तो ये क्या होगा, 1.9716, 1.6। तो 1.6 जोड़ेंगे तो ये माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, -8 प्लस 1 प्लस 0.6। तो एक में से आठ में से माइनस आठ में एक जोड़िएगा तो -7 होगा, अब प्लस 0.6, इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा 7^1 0.6, यानी कि ये आंसर आपका होगा। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन जो है रेकरिंग का टाइप आपका कंप्लीट हो गया है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर आप लोग, फिर शाम को मिलते हैं। राधे राधे, राधे राधे।